नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। मोहनलाल बड़ोरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के विधायक मोहनलाल बड़ोरी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहनलाल बड़ोरी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लिहाजा उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मोहनलाल बड़ोरी राय सीट से आपको बता दें चले कि विधायक हैं। मोहनलाल बड़ोरी साल 2019 से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में राय से हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने 1995 में मंडल अध्यक्ष मुरथल का पद संभाला और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जिला परिषद में चुने गए थे। 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और 2663 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। वे राय सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी के उम्मीदवार बने। मोहन लाल बड़ोरी जो है 1989 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा उलटफेर भी किया गया है। सोनीपत जिले की राय विधानसभा से एमएलए मोहनलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बताते चलें कि उनकी ताजपोशी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने की है और पार्टी ने दिग्गज ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा को दरकिनार कर बड़ोली को प्रोजेक्ट दिया है और अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास था। कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सीनियर नेताओं द्वारा लॉबिंग भी की जा रही थी, लेकिन आखिर में शीर्ष नेतृत्व ने मोहनलाल को नाम पर जो है वो मुहर लगाई है। आपको बताते चलें कि मोहनलाल बड़ोरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के तीन अहम कारण भी हैं। एक, सूबे में बीजेपी के कोर वोटर्स के रूप में भी जाने वाला 7.5% ब्राह्मण वोट बैंक, और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद है। इसके अलावा तीसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि आरएसएस से भी जुड़ा होना। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा ने बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिल गया है, मोहनलाल को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है? देखिए अंकिता, अगर मैं हरियाणा बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं तो बीजेपी में एक सिस्टम है जिसके तहत सारा काम चल रहा है। तो भले ही एक लंबे समय से जो करीबन 8 महीने की अगर बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष नायब सैनी के पास जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है, तो उनको पिछले साल अक्टूबर में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसके बाद 12 मार्च को उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया था और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हुए थे। तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व में बदलाव नहीं किया और नायब सैनी के पास ही जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा। और अब जैसे चुनाव खत्म हुए तो 1 महीने के अंदर ही जो बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बन दिया। पहला तो ये कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का जो है वो नियम है, ज्यादातर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं कहा जाता है। वही दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो उनके पास संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेवारी थी, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि करीबन 10 सितंबर या 15 सितंबर के आसपास प्रदेश में आचार संहिता जो लग जाएगी, तो ऐसे में संगठन के काम और सरकार के काम दोनों में तेजी लानी है और शायद एक आदमी तेजी ना ला कर उसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो सोनीपत के राय हल्के से बीजेपी विधायक मोहनलाल है बड़ोली, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। और काफी समीकरणों की कैलकुलेशन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया हुआ। अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो हरियाणा में कई चेहरों का जो है नाम चल रहा था, लेकिन मोहन बड़ोली का नाम जो था वो सबसे कम मतलब लिया जा रहा था। सबसे ज्यादा नाम जो है तो कैटेगरी बनू या फिर ओपी धनकर या फिर जो सुरेंद्र पूनिया संगठन मंत्री, उनका नाम सामने जरूर आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए और अपना कैलकुलेशन करते हुए
और मोहनलाल बरोली को जो है वो विधायक जो एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ब्राह्मण समुदाय से ये जो है वो आते हैं और लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था लेकिन जो है वो कांग्रेस के सत्यपाल ब्रह्मचारी से वो हार गए हैं। अब देखते हैं कि 80 दिन के अंदर ही उनके जो है फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं और वो उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे और कितना नहीं कामयाब हो पाएंगे बात की बातें हैं। लेकिन अगर संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री भी जो के पद पर भी थे और एक अनुभव हम कह सकते हैं और पहले भी लंबे समय से पार्टी के संगठन के तौर पर संगठन में जो काम कर चुके जिला अध्यक्ष भी वो सोनीपत हल्के के थे तो एक संगठन में काम करने का अनुभव उनके पास है। लेकिन नतीजे के बाद ही पता लगेगा कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए किस तरह का फैसला रहेगा। जी ओपी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामराजी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुका है और संगठन भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष पद की तो इसके लिए बहुत सारे लोगों का दावेदार थे, लेकिन मोहनलाल बरोरी को क्या जातिगत समीकरण को देखते हुए चुना गया है? देखो बीजेपी 36 बरादरी की पार्टी है और सबको समान रूप से देखती है और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, 36 बरादरी का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये बीजेपी में संभव है। कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। यहाँ एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी मौका देती है काम करने का और मोहन बड़ौली जी संगठन कौशल हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष से उन्होंने अपना क्या नाम है जिंदगी की शुरुआत की थी। मिलेगा मोहनलाल बड़ौली को बनाने के बाद में? हाँ मोहन, निश्चित रूप से मोहनलाल बड़ौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पार्टी को बहुत लाभ होगा। संगठन का बड़ा अनुभव है और वो प्रदेश महामंत्री हैं, विधायक हैं और माननीय नायर सैनी जी और वो तो बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी है, उनसे भी उनका बढ़िया समन्वय है और आम कार्यकर्ताओं की पहली पसंद मोहनलाल बरौली हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, मृदुवासी हैं और 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। आप कभी भी देख लेना हमेशा वो ग्रामीण अंचल में मिलते हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल से संबंध रखते हैं और बड़े होनहार हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करते हैं और हम उनको बधाई देते हैं और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे चाणक्य केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित जी को संगठन कौशल जेपी नड्डा जी को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री युवाओं के हृदय सम्राट बहुत ही मिलनसार संगठन कौशल जन जन के चेहते करोड़ों बेजुबानों की जुबान 36 बरादरी के मसीहा ओबीसी समाज से संबंध रखने वाले 36 बरादरी का आदरणीय नायब सैनी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी पसंद आम कार्यकर्ता की पसंद है और मोहनलाल बड़ौली को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर है और मैं समझता हूँ अगली सरकार हमारी होगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेगी क्योंकि काम बोलता है। जिस तरह से आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश में हमारा डंका बजाया है, रशिया में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान, रशिया का सबसे बड़ा सम्मान आपका जो सवाल है वो नीरज गुप्ता जी से ले रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, अब लगातार अगर बात की जाए तो संगठन तो बीजेपी का मजबूत हो चुका है, आपका संगठन कब बनेगा? देखिए तो संगठन मजबूत हुआ आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, देखिए चेहरा बदलने से चेंज नहीं होता कभी, बीजेपी की नीतियां तो वही रहेंगी। इन्होंने हर वर्ग को पीटा है, किस वर्ग को नहीं पीटा, अगर इतने अच्छे काम थे तो इन्होंने सबको चेंज कर दिया, प्रदेश प्रभारी चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, चलो इनका इंटरनल मैटर है लेकिन कोई जनता सब जानती है ये झूठो और आश्वासन की सरकार है, चेहरा बदलने से पार्टी का चित्र चेंज नहीं हो जाएगा। दूसरी बात है विधानसभा चुनाव अभी 2-3 महीने में होने वाले हैं लेकिन अभी तक आपका संगठन ही नहीं तैयार हुआ है,
कार्यकर्ता संगठन के बराबर है, बिना संगठन के भी आप ये संगठन आप कह रहे हैं ना हमारा 90% तैयार है, उसी घोषणा भी हो चुकी है हरियाणा प्रदेश के पद जो हरियाणा लेवल पे हम हो सके जिला अध्यक्ष की थोड़ी नियुक्ति बाकी है, बाकी हमारा हर कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने एक नारा दिया है आराम हराम है, कार्यकर्ता सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जब तक हम इनको हरियाणा से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जब से चैन से नहीं रहेंगे। देखिए जो ये नाथ सैनी की तारीफ कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था का देखिए कितना बुरा हाल है, हरियाणा में गोलियां चल रही हैं, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। हिसार का देखिए मामला क्या है, करनाल का मामला क्या है। राजीव शर्मा जी आप जवाब दीजिए कि आपके सीएम भी बदल देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पहले पद मिला था आपने, आप वो भी चेंज कर दिया, मोहनलाल बड़ोरी को दे दिया, इसके बाद में लगातार बहुत सारे दावेदार भी माने जा रहे थे लेकिन उनको ना देखकर मोहनलाल बड़ोरी को बनाया गया है, ऐसा नीरज गुप्ता जी का कहना है। रामराजी शर्मा जी आपको आवाज आ रही? हाँ जी जी जी, हाँ क्या कह रहे थे? नीरज गुप्ता जी का ये कहना है कि आपने पहले सीएम बनाया, पहले सीएम चेंज किया, सीएम चेंज करने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष का पद भी आपने सीएम से छीन लिया है, अब नया आपने बना दिया। जी मैं समझ गया ये जो क्या पूछना चाह रहे हैं, ऐसा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैंने 8-9 साल हो गए, बहुत हो गया, युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, आज का युवा कल का भविष्य का निर्माता है, और पार्टी मेरे को कोई और जिम्मेवारी सौंपे तो मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ, निभाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने उनको टिकट दिया और पार्टी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाया, अब वो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, उनका प्यार आशीर्वाद सने हमारे साथ में आज भी मिल रहा है। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष बनने की, नायर सैनी जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी हैं हमारे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा था, तो एक 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 आदमी एक पद, हमारा एक ही पद स्वीकार करता है, इनकी तरह ये नहीं है भाई वो नेता प्रतिपक्ष भी वो रहे, भाई वो चिट्ठों का मालिक भी वो बन जाए, हमारे यहाँ तो एक आदमी के पास एक ही पद होगा, हमारे यहाँ डबल नहीं हो सकता, तो उनका वर्कलोड भी कम करना था, आगे इलेक्शन भी है, और मोहनलाल बड़ोली जी को संगठन का बड़ा अनुभव है, वो बहुत ही मिलनसार हैं, लोगों के बीच में रहते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम होगा, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि काम बोलता काम, हमारी सरकार में ये किसानों के बारे में अभी बात कर रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए, ये सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प लेते थे और सेक्शन 4 का नोटिस हम आ गए, ग्रह धमका गए और महंगे भाव में उसको बिल्डरों को बेच देते थे जी। किसान ऐसे ही हम हैं। आपका सवाल जो है वो नीरज गुप्ता से अभी हम पूछेंगे, लेकिन ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो है वो गैर जाट पॉलिटिक्स कर रही है, तो कितना फायदा होने वाला है इस बार? देखिए अंकिता, अगर मैं हरियाणा में या देश में बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को नित नए प्रयोग के लिए माना जाता है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो प्रयोग करके बड़े रिस्क भी लेती है। अगर हम कई राज्यों की बात करें तो ठीक चुनाव से पहले जो है वो मुख्यमंत्री बदलने के मुख्यमंत्री को अपना सीट भी आगे रही, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो मुख्यमंत्री और पद बीजेपी के लिए कोई मायने रखता, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर चलता है। हाँ, आपने जो जाट पॉलिटिक्स की बात की तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो बीजेपी ने एक मैसेज देने का काम किया है कि शायद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय ने विरोध किया और सोनीपत रोहतक और हिसार की जो सीट थी लोकसभा की, जिस तरीके से कांग्रेस के खाते में आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी मान चुकी है कि जाट समुदाय हमें जो वोट नहीं देने वाला है, और इसी के चलते बीजेपी एक कवायद इसी तरह कर रही है कि जो नॉन जाट है उसको कहीं ना कहीं मोबिलाइज किया जाए, और हरियाणा में एक जो ब्राह्मण चेहरा के नाम पर शायद बीजेपी एक नया प्रयोग करके देख रही है कि रामलाल शर्मा जिस तरीके से 2014 में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद सत्ता जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई पूर्ण बहुमत से, तो रामलाल शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष थे, एक बार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ कैलकुलेशन और एक स्पेकुलेशन जरूर होने में एक अंदाजा और जरूर लगाया, और उसके तहत मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने खुले आम जो ये एक जो मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की। अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा
मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का गणित है वो कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा और सोनीपत से जो निकल के आ रहा है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस के जितने भी जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर कमजोर हुए हैं और ज्यादातर सीटों के ऊपर उनकी हार हुई है। और अगर हम सोनीपत हल्के से बात करें तो सोनीपत हल्के की ज्यादातर सीटों के ऊपर मोहनलाल बड़ोली जो ब्राह्मण चेहरा है वो जीत कर आए हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने ठीक है कि सोनीपत, रोहतक और हिसार सीट उन्होंने जरूर जो है वो लूज की है, लेकिन सोनीपत के अंदर वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काटने में जो थोड़ा सा कामयाब रहे हैं, साथ हरियाणा में भी वो कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने में कामयाब रहे हैं। अब पूरा खेल कहीं ना कहीं जो जीटी रोड बेल्ट है इसके ऊपर होना है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह का यहाँ तक सोनीपत रोहतक तक सीमित है और साउथ हरियाणा के बाद अब जो जीटी रोड लगता हुआ यमुनानगर अम्बाला करनाल का जो इलाका है इसके ऊपर पूरा गेम जो है वो चलेगा। और ये इलाका जो है जाट डोमिनेटेड नहीं है, जाट समुदाय का यहाँ ज्यादा हस्तक्षेप या उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो एक ये बड़ा काम है। साथ ही जो मोहनलाल बड़ोली है वो खुद सोनीपत से आते हैं, जो सोनीपत जो पूरा जिला या आसपास का इलाका है वो जाट लैंड में माना जाता है, जिस तरीके जीन आधा हिसार और रोहतक झज्जर इस तरह का जो एक जाट लैंड जो हरियाणा का कहलवाता है, करीबन 29 से 30 सीटें इसमें आती हैं। तो उसी हल्के उसी इलाके से मोहनलाल बड़ोली का चयन करना अपने आप में बीजेपी की जो है कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं सियासी तौर पर दिखा सकता है और हम उसको अच्छी तरीके से समझ दें। जी नीरज गुप्ता जी, राम राजे शर्मा का ये कहना था कि आपकी सरकारों में जमीनें हड़पने का जो काम है वो किया गया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लोकसभा चुनाव में 5 सीटें तो आ गई लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हमारी ही होगी और हमारे पार्टी का ही सीएम बनेगा। कहने से कुछ नहीं होता, एक भी ऐसा मामला दिखाई अगर 10 साल में इन पे ऐसा लगेगी कांग्रेस में सरकार में जमीनें हड़पी तो आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सारे की सस्ते भाव में जमीन हड़प लेते थे तो कार्रवाई कीजिए ना भाई साहब, 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करते, किसने रोका है? कोई भ्रष्टाचारी हो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो किसी पार्टी का कोई अधिकारी हो, किसी को बख्श क्यों रहे हैं आप? किसने कहा आपको, किसने आप रहे? कानून आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, सरकार आपकी अगुवाई कीजिए। नंबर एक, दूसरी बात, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने में नंबर वन है, झूठे और आश्वासन की सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ लोकसभा का देखिए लोकसभा का साइड इफेक्ट है। लोकसभा में आप बीजेपी पर लगाते हैं दोनों, मैं ये मैंने जी मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सारी चीजें इनको अभी याद आई है सिर्फ लोकसभा चुनाव हारने के बाद। अगर ये 10 साल दस सीटें जीतते ना पूरी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये कुछ भी चेंज ना करते, सिर्फ ये लोकसभा का साइड इफेक्ट है। दूसरा, ये सरकार गुरु चेले की सरकार बन रही है, गुरु बैठ गया दिल्ली में जाके, चेलों को बना दिए यार सीएम, सब ऊपर से फैसले हो रहे हैं, चेले की कुछ ही कोई नहीं सुनता, गुरु चेले की सरकार है, जो आदेश ऊपर से आ रहा है उसको फॉलो किया जा रहा है। मेरा ये कहना है ये कुछ भी चेंज कर लें, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ठगों की सरकार है, और छत्ती बिरादरी मैं इनपुट के आधार पर कह सकता हूँ, जिस कांग्रेस से कार्यकर्ता या प्रवक्ता होने के नाते मैं भी गांव-गांव शहर-शहर जाता हूँ, जो बिरादरी के जो लोगों का इनपुट है वो कांग्रेस के साथ है, हमें उम्मीद है कांग्रेस ही सरकार बनेगी, लेकिन जनता सरकार बनाती है, जनता गिराती है, लेकिन हम विश्वास के साथ करते हैं, जनता अब एक बार मन बना चुकी है कांग्रेस सरकार बनेगी। कितने ही वादे कर रहे हैं, कितना ही झूठ बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, जैसल के नया नहीं बने तो ये सरकार फेल है, व्यापारियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, ये उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अरे व्यापारी जनमाल की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है, ये कानून को व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप भी सुरक्षित नहीं, मैं भी सुरक्षित नहीं है, ये हर मोर्चे पे फल सरकार है और गुरु चेले की सरकार है, चेले के हाथ में कुछ नहीं है, गुरु के ऊपर से कमर आता है तो बड़ोली जी को बना दिया, वरना बड़े बड़े नेता बड़ोली कहना है लगातार वो आपसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद में इनको ये समझ आया, इसके बाद में सारे जो मंत्री जो चेंज किए गए हैं लगातार बदलाव देखने को मिल रहा, संगठन हो या फिर सीएम का हो पद, और उन्होंने कई तरह के सवाल भी पूछे हैं, जवाब दीजिए। रामराजी शर्मा जी, आपको नीरज गुप्ता का लगातार यही कहना है कि 5 सीटें हारने के बाद में विधानसभा चुनाव को लेकर इतने बड़े फेरबदल देखने को मिल रहा है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं करते, और ये भी उनका आरोप है कि सीएम कुछ नहीं कर रहे, सीएम
सिर्फ एक पद है और केंद्र सरकार जो है, जो केंद्र में ऊपर से जो लोग बैठे हुए हैं वो सरकार चला रहे हैं। देखो ये जो कह रहे हैं ना, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं जी। और झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है, इन्होंने झूठ बोला। राम राजे शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं नीरज गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात, इनकी बात का जवाब तो दे रहा हूं मैं जी। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए आ जाएंगे, इन्होंने झूठ बोला 8,500 रुपए बहनों के खाते में हर महीना आएंगे। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, बहने पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट फटाफट वाले 8,500 रुपए तो दे दो, और ये भागे भागे फिर रहे हैं। तो काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। नीरज गुप्ता जी का भी यही कहना है, वो हर बार डिबेट में जब आते वो यही कहते हैं कि जब हमारी केंद्र में सरकार बनती तभी हम देते। जहां इनकी सरकार है, जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां दीजिए। किसने मना किया है नीरज गुप्ता जी, किसने मना किया है? जहां सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे? अरे ये तो झूठ बोलने में माहिर है। आगे अब हमारी सरकार बनने जा रही है क्योंकि हमने काम किया है। 5,00,000 तक का इलाज हमने फ्री किया है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना आ जाते हैं। 100% निश्चित पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा जमीनों का उपज का भाव हम दे रहे हैं। चौदह फसलें एमएसपी हम खरीद रहे हैं। रामराजे शर्मा नीरज गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं जी। जो बातों का जवाब है आप कानून व्यवस्था में बात कीजिए। कानून व्यवस्था में सरकार मिला है, हमारी सरकार में अपराधी थर थर काटते थे, गैंग हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। आपको तो नामो निशान नहीं है। आपका कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था नहीं बोलता। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, वो कुछ नहीं बोले। आपका कानून व्यवस्था भी डे बाई डे बिगड़ती जा रही है, सुधरने के बजाय सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा लैंड ऑर्डर संगठन तो मजबूत हो गया आपका, 5 सीटें भी आपकी चली गई। आप विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं लेकिन लगातार व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। देखो सब सुरक्षित है, कानून व्यवस्था हमारी बहुत बढ़िया है। एक आध घटना हुई है, जैसे करनाल की घटना थी, वो आपसी प्रॉपर्टी विवाद था, उसमें वो तुरंत उनको हथियारों को पकड़ लिया है। और मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। रात को 12 बजे तक जनता से मिलते हैं, 24 घंटे उनका दरवाजे जनता के लिए खुले रहते हैं। जनता जी लगातार उनकी समस्याएं भी सीएम सुन रहे हैं। अर्पण क्या लगे मेरा, आप किसी टाइम आइए। रामराजे शर्मा जी, आप जी नीरज गुप्ता जी को बोलने दीजिए। नीरज गुप्ता जी, लगातार सीएम ने जनता दरबार भी खोला हुआ है, लगातार देखिए जनता, ये देखिए जनता दरबार इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। कांग्रेस में जनता दरबार कब से खुला था ये आपको पता है कि कांग्रेस में भी जनता दरबार लगता था, हर सीएम लगाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कानून व्यवस्था में ये देखो कितना झूठ बोल रहे हैं। एक आधी घटना, करनाल की घटना, हिसार की घटना, फिजा की घटना, और जबकि व्यापार मंडल के प्रधानों ने, पूरे हरियाणा व्यापार मंडल ने उनको ज्ञापन सौंपा है, सब कुछ सौंपा है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। ज्ञापन सौंपने के बाद भी फिरौतियां मांगी जा रही है, 1,00,00,000 रुपए की जान से मारने की धमकी जा रही है। व्यापारी वर्ग परेशान है, और जो व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं हरियाणा को चलाते हैं, हरियाणा सरकार को टैक्स देते हैं, और वही बेचे जी रहा है। कानून व्यवस्था के अंदर कंट्रोल नहीं, डे बाई डे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। सिर्फ इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे प्रभारी चेंज कर दिया, सीएम चेंज कर दिया, बीजेपी अध्यक्ष चेंज कर दिया, ये सब कुछ चेंज करेंगे। जनता इनके ठगने वाले नहीं है, जनता समझ चुकी है ये झूठों की सरकार है, आश्वासन की सरकार है। ये जो भी घोषणाएं करते हैं, 8.5-9 साल की इनकी घोषणाएं तो पूरी नहीं हो पाई, नई घोषणाएं कर रहे हैं। और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी है, नायब सचिव ने, वो सिर्फ घोषणाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंट कब होगा ये जानते हैं। रामराजे शर्मा जी, समय का अभाव है। रामराजे शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ ओपी शर्मा भी जुड़े हुए थे संवाददाता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, मोहनलाल बड़ोरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और विधानसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर यह बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।